नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। ट्रंप ने महात्मा गांधी को गलत उद्धृत किया। वॉशिंगटन, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने के शीर्ष दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं कि भारतीय नेता ने कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने समर्थक जुटाने के अपने प्रयास के तहत इंस्टाग्राम पर लिखा, पहले उन्होंने आपको नजरअंदाज किया, उसके बाद वे आप पर हंसे, उसके बाद उन्होंने आपसे संघर्ष किया, उसके बाद आप जीत गए, महात्मा गांधी। इंस्टाग्राम पोस्ट में ट्रंप ने अलबामा में एक प्रचार स्थल की एक तस्वीर डाली है जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं। इरोम शर्मिला न्यायिक हिरासत से रिहा। इम्फाल की एक अदालत ने मणिपुरी अधिकार कार्यकर्ता इरोम शानू शर्मिला को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया, जो कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून निरस्त करने की मांग को लेकर 15 वर्षों से अनशन पर हैं। शर्मिला पर अफसपा निरस्त करने को लेकर दबाव बनाने के वास्ते एक अनिश्चितकालीन अनशन करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आरोप लगाया गया है। अदालत ने शर्मिला को रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि इस महिला के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का कोई सबूत नहीं है। इशरत मामले में दूसरा हलफनामा सही, चिदंबरम। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में दूसरे हलफनामे का समर्थन किया और जोर देकर कहा कि वो बिल्कुल सही था और तत्कालीन मंत्री के तौर पर मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कांग्रेस मुख्यालय में इस बात पर अप्रसन्नता जताई कि पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लई ने हलफनामा मुद्दे से स्वयं को अलग कर लिया है, जबकि वो समान रूप से जिम्मेदार है। पिल्लई ने कहा है कि हलफनामा बदलने का निर्णय राजनीतिक स्तर पर लिया गया। चिदंबरम ने साथ ही अफजल गुरु को फांसी के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियों को उचित ठहराया, मैं उस समय सरकार का हिस्सा था, मैं स्वयं को सरकार से अलग कैसे कर सकता हूं।